अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू UBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे MTH 301 लेक्चर नंबर 10, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सारे मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 10। तो इसमें देखें, ये जो टॉपिक जो है काफ़ी आसान है और इंतहाई मतलब बहुत मज़े का भी है, और ये है कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आती हैं। इसके अंदर MCQs में भी आते हैं, थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपने ये इंतहाई बहुत ध्यान से इसका लेक्चर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या था, वेक्टर इन प्लेन इज अ डायरेक्शन प्लेन सेगमेंट, ठीक है। आप देखें, एक लाइन जा रही है ए से बी पे। तो आप ये देखें कि ये जो है वी जो है ए के बी के, यानी कि जो लाइन जा रही है इसमें क्या है, ए जा रहा है बी की तरफ। तो क्या हो गया, ये एक वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर इन अ प्लेन इज अ डायरेक्शन लाइन, डायरेक्टेड लाइन। तो एक लाइन की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, वी जो है एक लाइन रूट शो कर रही है। तो ए क्या हो गया, वी के इक्वल। वी किसके इक्वल हो गया, ए और बी के। ए और बी एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसी से सिंपल ये बताया गया है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, आप ये देखें, एक लाइन जा रही है वी से ए के बी के डी में, ठीक है। आप एक लाइन जा रही है वी, क्या है, ए और बी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब देखें मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड इस बार को बोलते हैं। ये जो लाइन बार बनी हुई आ रही है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो समटाइम आगे क्वेश्चन में आएगा कि आप मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। अब हम देखेंगे आगे जाके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी इज जनरेटेड बाय ये, ठीक है। इसको इस बार से जनरेट करते हैं वेक्टर को। तो ये आपका वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड और लेंथ इज इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन आपने देख लीजिएगा और इसका फॉर्मूला देखें, ये होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वी और मैग्नीट्यूड ऑफ वी, यानी वी और वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आप एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बताया, इसमें बताया गया डायग्राम शो 3 वेक्टर इन 2 वेक्टर्स। 1 वेक्टर ओ एन ए, यानी ये वेक्टर जो है ओ एन ए इज कनेक्टेड विद द टेल ऑफ अ वेक्टर ए बी। तो ये जो कनेक्ट हुई हुई है टेल से ए और बी के, ये होता है टेल, ये होता है हेड, ठीक है। द टेल ऑफ हेड वेक्टर ओ बी, यानी ये कनेक्टेड विद द टेल ऑफ ओ ए, जो कि टेल ओ ए से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। एंड हेड इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए बी, और जो हेड कनेक्ट हुआ था वो हुआ है हेड ऑफ ए बी के, ठीक है। डेट वैक्टर इज कॉल्ड डेल्टन वैक्टर, ठीक है। आउटपुट वैक्टर या इसको बोलते हैं डेल्टन वैक्टर कहलाएगा, ठीक है यार। ये सिंपल्स में बताया गया है, एडिशन ऑफ वैक्टर का बताया गया, आगे देखेंगे इसमें सॉल्व होता ही है, ठीक है। तरीके से इसमें भी एडिशन हो रही है बताया गया इसमें। अब आगे चलते हैं, आगे हैं टू वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। टू वेक्टर्स आर इक्वल और सेम वेक्टर, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तब देखिए दोनों लाइन, दो डायरेक्शन सेम जा रही, दोनों लाइनें सेम जाए तो क्या हो गया, इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो ये हो गई, ठीक है। अपोजिट वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन अलग जा रहा है, ठीक है। अब आप देखें टू वेक्टर अपोजिट वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए है ए, ए और ए, और डायरेक्शन के अपोजिट है, तो क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर ए बी आर पैरेलल, वन वेक्टर ए स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ अदर बी, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ अदर बी। तो ये देखें ए और बी दिया है, इसके बीच में आ रहा है लैम्डा, तो लैम्डा क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है। टू वेक्टर ए बी पैरेलल, वन वेक्टर ए स्केलर वेक्टर ऑफ द अदर बी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, ये होता है जेड, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, आई जे के, आई जे के क्या है, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, तो ये आपको एग्जांपल दी हुई है, अब आप देखेंगे तो आपको ऐड करना समझ में आएगा, सही से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सॉल्व की भी आसानी के लिए। तो आप देखें लेट किया हुआ है, देखें आपको ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ए वन आई टू जे प्लस थ्री के प्लस वन आई टू जे प्लस थ्री के, तो ये हो गया एक ए, ये हो गया बी। अब हमें इसको करना है ऐड, तो हम किस वे से ऐड करेंगे, हम लिखेंगे ए बी, ए बी लिखेंगे, ए में क्या करेंगे, ए में क्या है, आई आई लिखेंगे हम, जे जे के के, ठीक है। तो आई आई में वैल्यू क्या है, वन 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 प्लस वन, और ब्रैकेट में लिख दिया आई। इसी तरीके से हम करेंगे आगे, टू प्लस टू फिर जे, थ्री प्लस थ्री के, ठीक है। जो इनके वैक्टर वेरिएबल देंगे इसको हम आगे लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वन 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 टू, टू टू फोर और थ्री थ्री सिक्स। तो आई जे के फॉर्म में ये आ गया। तो इसी तरीके से आपको ये बताया गया एंड में कि ये वैल्यूज जो है प्लस करने के बाद आई जे के फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से आपने करना है एडिशन, ठीक है। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केल है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की हुए ए इसका हाफ है और हाफ, तो इसको छोड़ देना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बाय स्केल है, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास सवाल आएंगे, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आपको पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ए डॉट पी, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर ए बी इज अ नंबर ऑफ विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है।
थीटा क्या है यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब आप देखें, दिस इज नोन एज कम्युनिकेटिव लॉ। तो कम्युनिकेटिव लॉ ये आप देख लें एम सी क्यूज में आता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल में आता है, ये एम सी क्यूज में आता है कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। टर्म रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला है जो ये फॉर्मूला सेम ही है, तो आप सो देख लीजिएगा, ये चाहे तो इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, कॉस मान लेके जा सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसके देखें सम रूल दिए हुए हैं, सम रिजल्ट फॉर स्केलर प्रोडक्ट, अगर आई जी होगा तो जीरो के इक्वल होगा, जी आई तो होगा तो जीरो के इक्वल होगा, जे के जीरो के इक्वल होगा, इसी तरीके से के जी भी जीरो के इक्वल होगा, अगर के आई डी होगा तो जीरो के इक्वल होगा, इसी तरीके से आई जी होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सम रूल दिए हुए आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दी हुई, आगे देखते हैं सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, देखें ये एंगल का फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला दिया था वो देख लीजिएगा, और ये ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, अगर हम इसको चेंज करें तो वो ये भी आ सकता है। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, आगे सवाल में आएगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालें, तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए और एक वेक्टर दिया हुआ है बी, ठीक है। अब आप ये देखें, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, हमें एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स ए बी, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो मसला ये है कि हमें थीटा का सिर्फ एंगल निकालना है, लेकिन एंगल निकालने के लिए हमें सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये दो वैल्यू दी हुई हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ये देखें, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से। तो अब आप ये देखें, आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ वन, सिक्स वन का सिक्स वन का आ गया यहाँ पे, टू माइनस टू और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थ्री टू ज़ा, देखें थ्री टू ज़ा ये आ गया। अब टू को थ्री टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू टू ज़ा, देखिए ये आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिक्स 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 वन फोर आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इनका बार और मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ए डॉट बी तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, हमें निकालना है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो अब आप देखेंगे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट लगाएंगे और उसके अंदर ए की वैल्यू लिख देंगे, या ए की वैल्यू क्या है वन, इसी तरीके से क्या है, इसको पुट करते हुए ध्यान रखिएगा कि सबके वैल्यू में बीच में आता है प्लस, अंडर रूट में बीच में आता है प्लस, और जो माइनस होगा वो अंदर ब्रैकेट में आएगा, माइनस ब्रैकेट में आएगा, जब ये स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस होकर अंडर रूट नाइन आया, अंडर रूट नाइन क्या होता है थ्री, इसी तरीके से बी का लिया तो हमारे पास क्या आ गया सेवन, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया, अब हमने क्या किया, हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हुआ सेवन, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आंसर क्या आया था, ए फोर आंसर आया था हमारे ए डॉट बी का, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब कॉस इनवर्स अब निकालेंगे तो कैलकुलेटर में आंसर क्या आएगा, ये आप चाहते हैं यहाँ पर भी इसको रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, तो ठीक है। इस तरीके से आपने निकालना है ये एंगल, अच्छा ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर को हम ऑर्थोजोनल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर प्रोजेक्शन है, आपको वेक्टर प्रोजेक्शन दी हुई है, तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन दी हुई है आपने ए बी, तो आप पलों पर देखे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉस बेस के सीरीज आपने इसको याद रखना है, लेक्चर नंबर आई थिंक बताने याद नहीं आ रहा मुझे, तो कॉस बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। आगे आगे क्या दिया हुआ, आगे एग्जांपल दी हुई, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन बी, तो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है बी ऑन टू ए, अब देखें बी दिया हुआ है ऑन टू ए, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपने, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू का फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये आप किस तरीके से निकालेंगे, तो देखें आपने पूरा फॉर्मूला में सब चीज़ निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो आप देखें हमें दो वैक्टर दिए हुए ए बी, जैसे ऊपर किया था वैसे करेंगे, इसको आई को ऐसे करेंगे, जे को जे से करेंगे और के को के से, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा फोर। इसी तरीके से क्या दिया हुआ है, बी डॉट ए, आगे दिया हुआ है ए डॉट ए, तो अब क्या करेंगे हम ए डॉट ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा नाइन। तो हमें बी ए डॉट ए और ए डॉट ए तो आ गया, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए, तो ए हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये देखें ए जो है हमें गिवन ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, बी डॉट ए की जगह वैल्यू लिख दी हमने फोर माइनस फोर, ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ गई नाइन, और ए क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, अब क्या करेंगे इसको हम फोर नाइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे आई से, आई गया वन, क्या हो गया एल एडी आ गया। अब इसी को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, फोर टू ज़ा एट, नाइन आ गया नीचे, ठीक है। तो फोर टू ज़ा एट, इसी तरीके से नाइन आ गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर सही से आ गया, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इस बी कॉस थीटा। तो अब देखें आप, आपको यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, तो हमें एंगल भी निकालना है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इस बी कॉस थीटा। तो अब देखें हमें एंगल भी निकालना है, तो देखें कॉस थीटा क्या, किससे पहले बी डॉट ए और ए के, तो हमने क्या किया, बी डॉट ए की वैल्यू लिख दी, बी डॉट ए क्या हमारे पास, देखें बी ए, ए क्या है ये लिखा हमने, और ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, हमारे पास एक ऊपर भी सॉल्व किया था मल्टीप्लाई का, तो माइनस फोर था, यहाँ पर लिख दिया माइनस फोर, ये हमें सॉल्व नहीं किया, देखें हम सॉल्व किया क्या आया इसका थ्री,
ठीक है, 3 आ गया। तो ये हमारा एंगल आ गया इसका, ठीक है। इसी हिसाब में एंगल निकालने होते हैं। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट को देखें, ये आ गया राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो जनरल। ये एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है और आगे क्वेश्चन वगैरह में भी आएगा ये। तो देखें, ये एक एंगल दिया हुआ है आपको, ये ऊपर जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। ये अपर या डाउन है तो इसका क्या अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपको सिंपल सा राइट हैंड रूल दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, आ गया सम रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लें, ये आप याद कर लें, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह देख लें और सिंपल इसमें कुछ रूल दिए हुए हैं, इसको आप फॉलो कर दें। आई मल्टीप्लाई बाई ए, जी मल्टीप्लाई बाई जे, के मल्टीप्लाई बाई के इज़ इक्वल टू जीरो। तो ये लिखे हुए हैं, इसको आप देख लें, आई मल्टीप्लाई बाई जे किसके इक्वल होगा, के के। इस तरीके से क्या होगा, जे मल्टीप्लाई बाई आई क्या होगा, के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये इसके इक्वल होंगे, ठीक है। आई के किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे के। तो ये सब रूल है, मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिव लॉ नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आगे देखते हैं द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देख लेते हैं, बिकॉज एनी द यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक मल्टीप्लाई बाई सिक्स, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला दिया है भाई, आप देख लें, अगर क्वेश्चन में होगा तो हमको उसको मजीद देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, देखें, ए क्या है, बेस है, और बी क्या है, हाइट है। ए बेस है और हाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आगे क्या है, ए मल्टीप्लाई बी फॉर द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। तो अब आप देखें, यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई किया हुआ है बी से, तो ये कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं। अब आप देखें, बस को ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें काफ़ी गलती होती हैं, या ऐसा लेकिन काफ़ी गलती होती हैं, तो मैं यहाँ से क्लियर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। तो अब आप ये देखें, आपको ए को वैल्यू दी हुई ए और ये वैल्यू दी हुई बी, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है हमें इसकी, ए मल्टीप्लाई बी। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज इट इज ए मल्टीप्लाई बी, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे आई जे के। आई जे के पहली वैल्यू क्या है, टू प्लस वन प्लस वन, टू प्लस वन प्लस वन। बी की वैल्यू क्या है, माइनस फोर थ्री वन, तो माइनस फोर थ्री वन लिख दिया, ठीक है। आई जे के लिखा है, इसकी वैल्यू लिख के इसकी वैल्यू लिखी। अगर यहाँ होता है सी, तो सी की वैल्यू आती नीचे, इसी तरीके से सारी वैल्यू आती नीचे, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हम डालेंगे एक मिनट को निशान। अब देखें अब क्या करना है हमें, अब हम पहले सॉल्व कर रहे हैं आई, तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई। जब हम आई सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, जब हम आई सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट गया, ठीक है, समझ लो ये नहीं है। अब हम जब हम आई को सॉल्व कर रहे हैं, आई लिखेंगे ब्रैकेट लिखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को वन से, थ्री को वन से। तो आप देखें, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, और बीच में साइन आता है माइनस का, ये आप याद रखें कि बीच में साइन आएगा माइनस का, ठीक है। बीच में माइनस का आया, वन वन वन, थ्री वन थ्री, ये हो गया। अब देखें, तीन होते हैं आई जे के, ठीक है। ये प्लस का होता है, आई प्लस का होता है, जे होता है माइनस का। तो इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप जे पे आएंगे तो उसके बीच में आएगा माइनस, ठीक है। तो आप आए जे पे, ये हो गया आई, ठीक है, माइनस जे लिखा आपने। अब आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसकी इसकी और इसकी इसकी, ठीक है। जे पे आया, जे पे क्या हुआ, टू वन ज़ा टू, फोर वन ज़ा फोर, ठीक है। फोर वन ज़ा फोर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया अंदर, ठीक है। ये आपने इसका साइन का बड़ा याद रखना, अंदर है माइनस, ठीक है, अंदर है माइनस, ठीक है। तो और यहाँ पे है माइनस, तो इसलिए हम देखते हैं आगे के, के में क्या हुआ, के में देखिए, अब हम इसको और इसको काट देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया के, ठीक है। थ्री टू ज़ा सिक्स, और माइनस फोर वन ज़ा फोर, फोर वन ज़ा फोर हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ही आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का टू। अब यहाँ पे देखें, फोर फाइव सिक्स, माइनस का सिक्स आ गया, अब देखें सिक्स सेवन एट नाइन, ये देखें आपको ये आंसर आ गया। तो ये काफ़ी आसान है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पूरे जो यहाँ पे आपको जो है लेक्चर नंबर 10 जो है ख़त्म हो चुका है वेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी भी आती है एग्जाम में, एमसीक्यूज़ में भी, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 10 हुआ है ख़त्म। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।